Assalamu alaikum and welcome to Skills Spiral. If you are new here, my name is Kamar Abbas and this channel is for online learning. मैं यहाँ different quality courses आपके लिए लेके आता हूँ. ना सिर्फ ये पर मैं आपके लिए उनके साथ quiz और different assignments जो हैं वो भी मैं लेके आता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से engage हो सकें और मैं आपको अच्छी तरह से जो है वो engage रख पाऊँ किसी भी कोर्स के हवाले से. मैं डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का ग्रुप जो है उसका और जो हमारा फेसबुक पेज है उन दोनों चीज़ों का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ. इससे ये होगा कि इसे आप हमें अच्छी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, एक प्रॉपर कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं. हमें कांटेक्ट करने के बाद जो है वो हम आपको ऐड करेंगे हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें. फिर वहाँ पर जो क्विज़ और असाइनमेंट्स जो हैं उसमें आप लोग जो है वो वहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो आज के लिए मैं न्यू कोर्स आपके लिए जो लेके आया हूँ, जो कि हम आज से स्टार्ट करेंगे, वो न्यू कोर्स है वेब डिज़ाइनिंग का. इस वेब डिज़ाइनिंग कोर्स में हम दो चीज़ें सीखेंगे. सबसे पहली चीज़ जो है वो है HTML और दूसरी चीज़ CSS. अच्छा, जिन्हें थोड़ा सा कुछ पता है इन दोनों चीज़ों के बारे में तो वेल एंड गुड, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है. मैं जो है वो आपके लिए ही हूँ. इस कोर्स में हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और हम जाएंगे एक एडवांस्ड लेवल तक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपने ओपन कर लेना है अपने नोटपैड को. आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए. आपको सिर्फ़ एक पीसी चाहिए और पीसी के साथ आपको जो है ये एक नोटपैड की फ़ाइल चाहिए. ठीक है, आपने सबसे पहले नोटपैड जो है वो ओपन कर लेना. तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो इंट्रोडक्शन टच करेंगे HTML का कि HTML है क्या चीज़. HTML जो है वो होती है, उसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. पोस्टल में एक मार्कअप लैंग्वेज होती है. ठीक है, ये मार्कअप लैंग्वेज क्या है? ये मार्कअप लैंग्वेज आप इजीली इससे समझ सकते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं. इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, स्पेनिश होती है, सिंधी होती है, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं. तो किसी भी अगर इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन के साथ आपको कम्युनिकेट करना है या उसे आपको कुछ काम निकलवाना है या फिर उसको आपने कोई ऑर्डर देना है तो उसके लिए आपको क्या चीज़ जो है वो ज़रूरी होगी, आपके लिए इंग्लिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी. क्यों? क्योंकि वो बंदा जो है वो कोई और लैंग्वेज जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा. तो आपने क्या करना है, आपने उस बंदे से इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है. ठीक है, ऐसे ही कोई और लैंग्वेज जो HTML है हमारी, वो भी एग्जैक्टली यही चीज़ है. जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं या फिर एक वेबसाइट हम जो है वो क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जो कि हम उसको बता सकें, अपने पीसी को बता सकें कि भाई अब जो है वो आपको ये काम करना है, अब जो है वो आपको ये ऑर्डर हमारा फॉलो करना है. ठीक है, हम जो ऑर्डर्स देते हैं वो किस लैंग्वेज में देते हैं, वो लैंग्वेज जो हमारी होती है वो हमारी होती है लैंग्वेज HTML. ठीक है, और HTML के साथ साथ एक और लैंग्वेज होती है CSS, जिसको हम कहते हैं CSS. मैं यहाँ पे राइट भी कर लेता हूँ HTML, ठीक है, और दूसरा CSS. तो अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली हम टच करेंगे सबसे पहले HTML को. CSS को हम अभी तकरीबन हमारे एक या दो या तीन लेक्चर्स में टच नहीं करेंगे, सिर्फ हम HTML को टच करेंगे, HTML का बेसिक समझेंगे कि भाई HTML जो है वो किस तरह ऑपरेट होती है और ये है कि वेबसाइट हम किस तरह बनाते हैं, एक प्रॉपर स्टार्ट जो है वो एक वेबसाइट का हम किस तरह लेते हैं. तो हम कोई भी वेबसाइट्स जो होती हैं या फिर वेब पेजेस जो होती हैं, वेब पेजेस को हम मॉनिटराइज करते हैं अपना HTML के साथ. ठीक है, HTML से हम ऑर्डर देते हैं और वो ऑर्डर जो है वो हमारा फॉलो होता है और फिर जो डिस्प्ले आता है हमारा वो हमारा आता है एक प्रॉपर वेबसाइट की शक्ल में. ठीक है,
अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वेबसाइट जो है वो दिखा रहा हूँ, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये अंडर प्रोसेस वेबसाइट है जो कि अभी मैं बना रहा हूँ, इन प्रोसेस है, पर ये कि एक एग्जांपल की तरह मैंने आपको शो करवाया है कि ये एक कंप्लीट जो है वो एक वेबसाइट है, ठीक है। अभी इसके पीछे जो प्रोग्रामिंग होती है हमारी और जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो हमारे मार्कअप्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम उसको हम जो है वो HTML कहते हैं, और साथ में CSS जो है वो भी हमारा इस वेबसाइट के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। अगर इसका मतलब कि ये एक फ्रंट है, ये डिस्प्ले है जो कि आपके सामने जो है वो शो हो रहा है, ये कंप्लीट आपका डिस्प्ले है एक, ठीक है। अगर इस डिस्प्ले के पीछे चले जाएँ हम, तो इस डिस्प्ले के पीछे क्या चीज़ है, इस डिस्प्ले के पीछे जब आएंगे तो इस डिस्प्ले के पीछे आपको ये इतनी बड़ी लैंग्वेज जो है ना, ये आपको शो हो रही होगी। ये सारी लैंग्वेज जो है ये यूज़ होती है हमारी, जिसको हम HTML बोलते हैं, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ जो है वो हमारी HTML है, और इसके अंदर कहीं कहीं CSS भी इंक्लूडेड है। तो ये हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको ऑर्डर दिया है कि भाई आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ें जो हमने इसको बोली हैं कि भाई ये करनी है, फिर हमारा ऑर्डर फॉलो करते हुए इसने क्या किया है, इसने हमें डिस्प्ले दिया है ये वाला, ठीक है। ये हमारा जो वेब पेज है वो हमारा क्रिएट हुआ है, किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, वो हमारा हुआ है जो हमने कोडिंग की है, जो मार्कअप्स हमने दिए थे, जो लैंग्वेज हमने बताई थी उसको, उसके लिए हमारा जो है वो ये आउटपुट उसने शो किया है। अभी बेसिकली अगर हम पूरा स्ट्रक्चर समझें किसी भी वेबसाइट का या फिर किसी भी वेब पेज का, ठीक है, ये तो मैंने फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देने के लिए एक वेबसाइट खोली है। अब कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, कोई भी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें से कोई भी वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो उसमें आपको जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल ही कॉमन मिलेंगी, ठीक है। वो कॉमन चीज़ें क्या हैं, वो कॉमन चीज़ें ये हैं कि उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो आपको कॉमन मिलेगा। हम ड्रॉ करते हैं कोई भी चीज़, ठीक है, एक हम फॉर एग्जांपल पेज लेते हैं, तो उस पेज में हम क्या करते हैं, उस पेज में हम एक मैप बनाते हैं कि भाई ये ऊपर वाली चीज़ जो है इसमें हमारी जो है वो ये कंटेंट आएगा, जो नीचे वाली चीज़ है उसमें हमारा ये कंटेंट आएगा, जो सेंटर है किसी पेज का उसमें हमारा ये कंटेंट आएगा। तो ठीक इसी तरह जो हमारी वेबसाइट होती है उसकी जो कोडिंग होती है उसमें हम यही चीज़ें देखते हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि ये ऊपर वाली ये जो चीज़ है इसको हम नेविगेशन बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा नेविगेशन बार होता है, ये हमारा नेविगेशन मेन्यू जो है वो होता है जिसमें हम होम, अबाउट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड करते हैं। और एक और सेक्शन है ये वाला, ठीक है, ये हमारा कहलाता है आपका हेडर। आपका किसी भी वेबसाइट में ये वाली चीज़ें होती हैं, जो स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर में बात कर रहा हूँ, जिस स्ट्रक्चर की, उसमें ये वाली चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है सबसे पहले आपकी हेडर, ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है फुटर, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है वो है हमारी फुटर की, ऊपर वाली थी हमारी हेडर की, और उसके साथ साथ चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं वो कौन सी चीज़ें होती हैं, वो होती हैं बॉडी वाली। ये सारी चीज़ जो है मतलब कि यहाँ से लेकर व्हाट वी ऑफर से लेकर ये नीचे तक हमने जो कुछ भी बनाया हुआ है या फिर जो कुछ भी लिखा हुआ है किसी भी वेबसाइट में, जो कुछ भी उसके अंदर होता है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी होती हैं, किसी भी वेबसाइट की बॉडी होती हैं। मैं एक बार फिर से आपको जो है वो ब्रीफ करता देता हूँ कि भाई ये ऊपर वाली हेडिंग, फुटर, बॉडी, ये तीन चीज़ें जो है वो मिलके किसी भी वेबसाइट का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो बनाती हैं। होप सो आपको यहाँ तक जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी।
फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, जो नोटपैड हमने खोला है, ठीक है, ये नोटपैड जो है वो हम यूज़ करेंगे HTML की जितनी भी कोडिंग है वो लिखने के लिए, जितने भी हमारे टैग्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम इसमें देंगे, या जितने भी ऑर्डर्स जो हैं ना हमारे, वो हम सारे ऑर्डर्स जो हैं वो नोटपैड में पुट करेंगे। तो अभी जब बिल्कुल ही हम इनिशियल स्टेज पे हैं तो ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जो बेसिक चीज़ें हैं उन बेसिक चीज़ों को ही टच करेंगे इस वाले लेक्चर में। तो सबसे जो पहली चीज़ होती है, सबसे जो इनिशियल चीज़ होती है किसी भी HTML के लिए, वो होती है इन चीज़ को समझना। ये जो चीज़ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों को समझना कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। ये दोनों चीज़ जो हैं ये कहलाती हैं टैग्स। ये ऊपर वाला जो है हमारा, वो होता है हमारा ओपनिंग टैग, और दूसरा होता है हमारा क्लोजिंग टैग। हम कोई भी ऑर्डर जब देते हैं अपनी HTML फाइल में, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये वाला टैग जो है वो पुट करते हैं, ठीक है, किसी भी टैग को खोलते हैं। जब हम ये वाला टैग पुट करते हैं तो हम HTML को, हम नोटपैड को बता रहे होते हैं कि भाई अब जो है वो हम आपको कोई ना कोई ऑर्डर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो अपना ऑर्डर होता है वो हम पुट करते हैं, और ऑर्डर पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम उस टैग जो है उसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं HTML, ठीक है। ये हमने क्या किया है, ये हमने एक टैग जो है वो ओपन कर लिया, और उसके साथ साथ जब हम वो टैग क्लोज करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, ये हमारी जो साइन होती है ये होती है किसी भी टैग की क्लोजिंग की। ऊपर जिस तरह हमने HTML खोला है, साथ में नीचे हमने क्या किया है, HTML को क्लोज किया है। तो अभी जो टैग्स होते हैं हमारे, उनमें भी कुछ टाइप्स होती हैं। जो हमारे टैग्स होते हैं उन टैग्स की भी हमारी दो टाइप्स जो हैं वो निकल के आती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ये वाली चीज़ जो हमने लिखी है इसको हम साइड पे कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, इस पे दोबारा आएंगे हम। जो टाइप्स हैं उन टाइप्स पे आ जाते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, हमारे दो तरह के टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कंटेनर टैग, और दूसरा हमारा होता है एम्प्टी टैग। जो हमारा कंटेनर टैग होता है वो होता है हमारा ये वाला, ठीक है। और इनमें क्या डिफरेंस है इन दोनों टैग्स में, और कौन सी चीज़ है जो इन दोनों टैग्स को जो है वो डिफरेंट करती है एक दूसरे से। जो कंटेनर टैग होता है हमारा, उसमें हम एनी हाउ जो क्लोजिंग टैग है वो हमें लगाना पड़ता है। अगर हम किसी भी टैग को ओपन करते हैं और उसके बाद उस टैग को अगर बंद नहीं करते, और वो टैग जो है वो हमारा कंटेनर टैग है, तो फिर क्या होता है, जो हमारा ऑर्डर होता है वो सही तरह से डिस्प्ले नहीं होता, और उसके बाद हम आ जाते हैं एम्प्टी टैग पे। जो एम्प्टी टैग होता है हमारा, उस टैग में हमें कोई भी नीड नहीं पड़ती किसी भी ओपन किए हुए टैग को क्लोज करने की। एम्प्टी टैग पे हम फर्दर आएंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा कि भाई एम्प्टी टैग जो हैं वो कौन से हैं, और कंटेनर टैग्स जो हैं वो कौन से हैं, एक एक अलग अलग करके मैं जो है वो आपको चीज़ें बता दूंगा। अभी हम आ जाते हैं इन चीज़ों पर। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे
अपना जो पहला HTML पेज है वो बनाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यही चीज़ें करनी होंगी जो कि आप देख रहे हैं। अच्छा, ये वाला टैग जो होता है हमारा HTML का, वो टैग, उस टैग से हम स्टार्ट लेते हैं किसी भी जो HTML डॉक्यूमेंट है, कोई भी HTML डॉक्यूमेंट जो होता है हमारा, उसका स्टार्ट जो हम लेते हैं वो लेते हैं इस टैग से, HTML टैग से, और क्लोजिंग लेते हैं हम वो ऊपर जो हमने टैग खोला है उस टैग को बंद करने के बाद। ये हमने टैग लिख लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये करेंगे कि हम जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारा हेडर सेक्शन। हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने जो मैंने आपको शो किया था, यहाँ पे जो हेडर सेक्शन जो मैंने आपको शो किया था वो हमने यहाँ पे खोला है, ठीक है। इस फाइल में हमने जो हेडर सेक्शन है वो खोला है, और नीचे आके हम इसी हेडर सेक्शन को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। ये आपका हेडर सेक्शन जो है वो यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका जो है वो आता है बॉडी टैग, ठीक इसी तरह यहाँ पे हम बॉडी टैग जो हैं वो क्लोज़ कर देंगे यहाँ पे, सॉरी वो हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है फुटर का टैग, और ठीक उसी तरह हम इस फुटर के टैग को क्या करेंगे, क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। अभी ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने है किसी भी वेबसाइट का। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी वेबसाइट के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, हेडर होता है, बॉडी होती है और फुटर होता है। वो चीज़ें क्या होती हैं, वो चीज़ें किस तरह इनपुट की जाती हैं, वो इस तरह इनपुट की जाती हैं। कहाँ पे इनपुट की जाती हैं, आपकी नोटपैड का जो पैड होता है हमारा, जो नोटपैड की फ़ाइल हम जो ओपन करेंगे उसमें हमें ये चीज़ें जो है वो हम वहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अभी फर्दर और आगे चलते हैं, मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ आपका सबसे पहला जो HTML का पेज जो है वो मैं आपको डिस्प्ले करके बताता हूँ कि भाई वो डिस्प्ले आखिर में किस तरह होता है। जो हमने ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है वो स्ट्रक्चर हमारा शो कैसे होता है। यहाँ पे एक और एडिशन हम करते चलेंगे, जो हमारा हेडर सेक्शन है वहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड कर देंगे जो है टाइटल की। जो टाइटल होता है हमारा, वो टाइटल किसी भी वेबसाइट का जो ऊपर बार में जो नाम आता है, जो ऊपर टूल बार होती है, ऊपर वाली बार होती है, उसमें जो भी हमारा नाम आता है वो हमारा टाइटल होता है। हम टाइटल में जो भी लिखते हैं वो हमारा वहाँ पे एज अ वेबसाइट का नेम जो है वो हमारा शो होता है। टाइटल हम लिख देते हैं कि माय फर्स्ट वेब पेज, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस टाइटल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये हमने टाइटल कहाँ दिया है, आपका हेडर सेक्शन में। टाइटल जो भी होता है वो आपका हेडर सेक्शन में ही आता है। उसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी पे। तो बॉडी जो है आप की वो क्या करती है, वो आपका जो पेज का कंटेंट जो होता है वो आपका शो करती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी पे हम जाके लिख देंगे कि भाई दिस इज़ बॉडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है फुटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि दिस इज़ फुटर, ओके। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमने आज जो है वो बनाया है। अभी इस स्ट्रक्चर को डिस्प्ले किस तरह से कर देते हैं, हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने ओपन किया हुआ है, ये क्रोम का ब्राउज़र जो है वो ओपन किया हुआ है मैंने, ठीक है।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए जो भी हमने फाइल बनाई है उस फाइल को सबसे पहले हम जो है वो सेव करें। अच्छा, सेव करने वाले टाइम पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। कौन सी? कि आपने यहाँ पे नेम देना है फाइल का, कोई भी दे दें। हाँ, हम दे देते हैं फर्स्ट पेज फॉर एग्जांपल, कुछ भी जो भी हमने नाम दिया है। ठीक है, इट इज़ अप टू यू कि आप किसी भी नेम से जो है सेव कर रहे हैं इस चीज़ को। पर उसके आगे जो है आपको ये वाली चीज़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। कौन सी? .html। ये जो आखिर वाली चीज़ हम देते हैं .html, ये वाली, तो ये क्या करती है, ये इसको बताती है कि ये वाली फ़ाइल जो है हमारी वो HTML की फ़ाइल है और ये फ़ाइल जो है HTML के थ्रू ओपन करनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम सेव कर देते हैं। इस चीज़ को हमने सेव कर लिया तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे सामने जो है ये वाली चीज़ आ गई है। तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी, मतलब कि किसी भी ब्राउज़र का जो टैग है वो शो नहीं हो रहा और आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो शो हो रहा है इन केस, तो फिर आप क्या करेंगे, आप लेफ़्ट क्लिक करके ओपन विथ करेंगे और आप किसी भी ब्राउज़र के साथ जो है वो इसको ओपन कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया है जो हमने यहाँ पे इनपुट किया था। दिस इज़ बॉडी, दिस इज़ फुटर, और जो हमने टाइटल लगाया था माय फर्स्ट पेज का वो हमें शो हो रहा है बिल्कुल इस जगह जैसा हमने वहाँ पे इसको इनपुट दिया था, वैसा ही, ठीक वैसा ही इसने जो है वो हमें यहाँ पे आउटपुट दिया है। और ये वाली चीज़ें भी आपके सामने हैं, ये दोनों चीज़ें हैं जो कि हमने इसको यहाँ पे इनपुट दी थी। एज इट इज़ वही चीज़ें हमें जो है वो वहाँ पे शो हो गई। तो एक और जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं दोबारा से जो है वहाँ को बताता चलूँ कि जब भी आप इस चीज़ को सेव करेंगे, इस फाइल को जब भी आप सेव करेंगे, तो आप सेव करने वाले टाइम पे आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान में रखनी है, वो ये कि .html जो है वो लास्ट में आपको एनी हाउ डालना है, एनी हाउ डालना है। अगर आप वो नहीं डालेंगे तो आपकी डिस्प्ले जो है आपका वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। और सेकेंडली, अगर आप उसको ओपन विथ किसी भी ब्राउज़र के साथ नहीं करेंगे तो फिर भी आपका डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे शो नहीं होगा। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये टेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे हमने ओपन किए हैं और क्लोज़ किए हैं, ये फाइल बनाते वक्त आप जो है वो ये वाली चीज़ बिल्कुल ही डिग्रेड मत कीजिएगा कि ये वाली चीज़ जो होती है जो हम किसी भी टैग को एंड करते हैं, ये क्या होता है कि कभी कभार जो है वो हम भूल जाते हैं और ये वाली चीज़ जो है वो शो नहीं करती, डिस्प्ले जो होता है हमारा वो शो नहीं होता अगर हम ये वाला टैग जो है बंद नहीं करते, या फिर डिस्प्ले जो होता है हमारा वो सारा आगे पीछे हो जाता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।